नमस्कार, चार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर दो प्रकार के होते हैं, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर। तो आज हमारा जो मुख्य विषय होगा वो है ओपन फ्रैक्चर के बारे में, जिसको हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो ओपन फ्रैक्चर है, जो ये क्या होता है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ओपन फ्रैक्चर जो होता है, ओपन मतलब होता है खुला। खुला फ्रैक्चर का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसमें आपका जो ऊपर का जो स्क्रीन है वो खुल जाता है, वो खुल करके आपका जो अंदर का हड्डी है वो दिखने लग जाता है या फिर बाहर आ जाता है। ये जो फ्रैक्चर है ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत जोर का चोट या फिर मतलब एक्सीडेंट जो है, मतलब अच्छे से आपका एक्सीडेंट हो चुका है, कहीं पर बहुत जोर का आपका प्रेशर पड़ गया है, तो इसमें क्या होता है कि जो हड्डी है वो टूट करके स्किन से बाहर आ जाता है और वो दिखने लग जाता है। इसी को ओपन फ्रैक्चर बोला जाता है और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल फ्रैक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है ठीक करने में इसको, क्योंकि ये फ्रैक्चर के साथ साथ एक जो जख्म है उसको भी लेकर के आता है। जी, तो कहीं से दुर्घटनावश जब हमें ये ओपन फ्रैक्चर की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? देखो, जब भी आपका ओपन फ्रैक्चर हो गया है तो नॉर्मल फ्रैक्चर की तरह आप इसको हल्के में तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो जख्म है आपका ये कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर आप देर करो तो इन्फेक्शन का रूप ले सकता है और जो जगह है वो हो सकता है सड़ने लगे या फिर हड्डी जो है वो सड़ने लगे, तो दिक्कत हो सकता है। जब भी आपका ओपन फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए, अगल बगल में जो प्राथमिक चिकित्सा जो आपको प्रदान कर सके, जो भी डॉक्टर्स हैं सामने में जो भी हैं उनके पास जा करके आप चिकित्सा लो। और उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आपका जख्म है, जो घाव बन गया है, उसको अच्छे से साफ किया जाएगा, जिससे जो इन्फेक्शन है इसका खतरा जो है वो कम हो जाएगा आपका। और साफ करने के बाद अच्छे से उसको धो करके पट्टी लगाया जाएगा उस पर, पट्टी के बाद फिर आपको छोड़ा जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको समय समय पे ड्रेसिंग करके किसी भी रूप में आपका जो जख्म बन गया है उसको सबसे पहले आपको ठीक करना होगा, जिससे कि जो जगह है वो और ख़राब ना हो जाए या फिर इन्फेक्शन का जो है वो डर ना रहे, इसलिए आपका जख्म ख़त्म होने तक आपको इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जो है हड्डी का चिकित्सा आपका शुरू हो सकता है। अगर जख्म बड़ा हो और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द निरंतर रहता हो तो क्या कुछ समय के लिए पेन किलर का सेवन किया जा सकता है? देखो, पेन किलर कहीं ना कहीं आपका दर्द जो है उसको दबा सकता है कुछ समय के लिए, जब उसका असर ख़त्म होता है तो हो सकता है क्या वो फिर से दर्द आपको होने वाला है, तो कोशिश करो कि पेन किलर जो है उसका इस्तेमाल आप ना करो, क्योंकि देखो पेन किलर आप इस्तेमाल कर लेते हो अभी कुछ देर के लिए आपका दर्द दब जाता है तो कहीं ना कहीं आपको आराम लगेगा, उसका जब उसका असर खत्म होगा फिर से दर्द होगा, फिर आप उससे ज़्यादा आप तकलीफ महसूस करोगे। लेकिन उसी जगह पे अगर आप थोड़ी सी उसको कंट्रोल कर लेते हो, थोड़ा सा अपना सहन शक्ति जो है उसको दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद वो आपको ठीक लगने लगेगा और वो उतना ज़्यादा दर्द नहीं होने लगेगा, धीरे धीरे वो आराम आपका हो सकता है। जी, तो ओपन फ्रैक्चर में जो प्लास्टर या फिर जो ऑपरेशन करवाया जाता है वो किस अवस्था में करवाया जाता है, कितने दिनों बाद करवाया जाता है? जैसे हमने बात किया, जो जख्म है उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले ठीक करने का जोर रहता है, उसके बाद हड्डी पे हम लोग जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्लास्टर या फिर रोड प्लेट्स की भी अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आपका जख्म ठीक होना चाहिए, उसके बाद अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है आपका हड्डी में तो थोड़ा बहुत बाकी रहते हुए हो सकता है डॉक्टर आपको प्लेट्स के लिए सजेस्ट कर दें, या फिर थोड़ी बहुत एक मान लो नॉर्मल है अगर हड्डी टूट गई है तो हो सकता है प्लास्टर से भी ये जो हड्डी है वो आपकी जुड़ जाए। तो अगला सवाल है कि क्या इस कंडीशन में भी, इस ओपन फ्रैक्चर में भी हम जो नेचुरल मेडिसिन यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा का सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो नेचुरल जो मेडिसिन है इसको हम लोग किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, और बात करते हैं ओपन फ्रैक्चर की, तो जैसे ही आपकी ओपन फ्रैक्चर हो जाती है तो डायरेक्ट सीधे रूप में तो इसकी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो जख्म है इसको साफ करने का, इसको ठीक करने का पहला आपका कदम होना चाहिए किसी भी रूप में। जी, उसके बाद वो ठीक हो जाने के बाद बेशक मतलब बिना कुछ झिझक के इसकी आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी हड्डी को जोड़ सकते हो। जी, हमारा आखिरी सवाल आज का ये है कि जब इस अवस्था में लोग पहुंच जाते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए, ताकि जो हमारा जख्म है, जो हमारा फ्रैक्चर है, वो सही तरीके से ठीक भी हो जाए और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का संक्रमण भी ना हो और जो स्थिति है अभी जैसा है इससे ज़्यादा गंभीर भी ना हो? बिल्कुल, देखो इसमें आपको हड्डी से जब आपका ओपन फ्रैक्चर हो जाता है तो इस समय पे आपको हड्डी से ज़्यादा सावधानी बरतने की होती है जख्म की। जो आपका जख्म बन गया ये कभी भी मतलब ड्रेसिंग इसका समय समय पे होते रहना चाहिए, अगर ड्रेसिंग नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर गंदगी वहाँ पे जम जाता है, एक बार अगर संक्रमण बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसके बाद अगर प्लेट्स भी डाल दी जाती है ना, तो अगर इन्फेक्शन बन जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है,
बिना प्लेट्स निकाले हड्डी को जोड़ने की जी। इसमें बस यही चीज आपको ध्यान देना है, जो जख्म है आपका ये बड़ा ना हो, जख्म को ठीक करने का आप कोशिश करो किसी भी रूप में, वो संक्रमण ना बन जाए, या जख्म को अगर आपने ठीक कर लिया तो ये समझ लो उसके बाद जो आपका ओपन फ्रैक्चर या फिर जो कंपाउंड फ्रैक्चर जो था ये कहीं ना कहीं अब हम लोग ये मान सकते हैं नॉर्मल फ्रैक्चर का स्थिति में आ चुका है। तो एक स्टेज तो हम लोग अब पार कर चुके हैं, उसके बाद जो हड्डी है उसको हम लोग नॉर्मल नेचुरल मेडिसिन या फिर किसी भी तरीके से इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। किसी भी प्रकार का अगर जख्म हो जाता है, उसमें फ्रैक्चर भी अगर हो गया है ओपन वाला, तो सबसे पहला उसमें जो आपका कदम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी जो जख्म है आपका 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर उसका इलाज जो है वो होना आवश्यक है, ताकि उसको बाद में किसी भी प्रकार का खतरा ना बन सके। तो आज हमने जाना ओपन फ्रैक्चर के बारे में, इसके अगले वाले जो वीडियो होगा उस पर हम जानेंगे क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसके बारे जानेंगे। आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।